हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज की जो वीडियो है रूप मंत्रा हर्बल फेशियल किट, इसका रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ और मुझे क्या क्या इसके बेनिफिट है और इसमें क्या क्या सारा सब कुछ सामान मिलता है और क्या चीज़ें आपको मिलती है, क्या इंग्रेडिएंट होते हैं, ये सारा सब, और ये कितना वर्क करता है और इसके क्या क्या एडवांटेज है, ये सारा सब कुछ आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली। तो कहीं पर भी वीडियो स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे छूट ना जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात की जाए इसके पैकेजिंग के बारे में, तो नॉर्मल कार्डबोर्ड पैकेजिंग है। रूप मंत्रा हर्बल फेशियल किट, गुडनेस ऑफ नेचुरल ऑयल एंड हर्बल एक्सट्रैक्ट। इसमें 5 स्टेप है, क्लिंजर, स्क्रब, जेल पैक एंड क्रीम। और इसमें इन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ लगी कि ब्लीच को भी इंक्लूड किया है। रूप मंत्र हर्बल फेशियल किट की प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो 925 इसका कॉस्ट है और मुझे लगता है काफ़ी अफोर्डेबल है क्योंकि इसमें इन्होंने ब्लीच को भी इंक्लूड किया है एंड 5 स्टेप भी है, मिल्क क्लिंजर, स्क्रब, जेल पैक, क्रीम। और ये आपको 10 से 12 टाइम के लिए बहुत ही आसानी से चल जाएगा, तो मुझे लगता है काफ़ी अफोर्डेबल है। और अभी अमेज़ॉन पे जो है डिस्काउंट भी चल रहा है, अमेज़ॉन एंड फ्लिपकार्ट दोनों जगह पे ही अवेलेबल है, तो आप, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से जाकर इसको चेकआउट भी कर सकते हैं। तो इसके बॉक्स के पीछे यहाँ पर इन्होंने जो है बहुत अच्छी तरीके से इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, अगर इसको फॉलो करके आप इस तरीके का फेशियल करते हैं जिस तरीके से इन्होंने दिया गया है, जितने मिनट्स, जितने टाइम तक इसको, जैसे सर्कुलर मोशन में जो सारा सब कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए, उसको अगर फॉलो करके अगर आप ऐसे करते हो तो इसके रिज़ल्ट आपको अमेजिंग देखने के लिए मिलेंगे। तो अभी हम बात करते हैं इसके फर्स्ट स्टेप की। एंड फर्स्ट स्टेप जो है उसमें दिया गया है बेसिकली जो है उसमें कुकुम्बर एंड एलोवेरा है, मिल्क क्लिंजर जो कि 40 ml का है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। तो मिल्क क्लिंजर जो है उसमें दिया गया है कुकुम्बर एंड एलोवेरा। उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड स्टेप की। तो सेकेंड स्टेप में इन्होंने जो है एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, ग्रैप सीड ऑयल, ऑलिव ऑयल, वीट ग्राम ऑयल, ये सारी चीज़ें इसके अंदर है जो कि हमारे फेस के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। इसका मुझे सिर्फ एक ही वो लगा है क्योंकि इसमें जो एक्सट्रैक्ट इन्होंने दिए हैं वो थोड़े से बड़े हैं, अगर वो छोटे होते तो क्या ही बात होती, क्योंकि फिर बहुत, तो बहुत ही मतलब हल्के हाथों से इसको वो करना है। ऐसे भी नॉर्मल भी हमको बहुत हल्के हाथों से ही करना है। उसके बाद हम आते हैं थर्ड स्टेप पे जो कि रूप मंत्रा मसाज जेल है। एंड इसमें भी एक्सट्रैक्ट ऑफ ऑरेंज एंड पपाया है। ये बेसिकली एक जेल है जिसमें जो है पपाया का वो है एंड एक्स्ट्रा और ऑरेंज है, एक्सट्रैक्ट ऑफ ऑरेंज एंड पपाया का, जो कि हमारे ये जो ब्ली फेशियल है ये पूरे ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। एंड यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शंस आपको दिख जाएंगे आपको कैसे करना है और आपको माउथ एरिया एंड आई एरिया को अवॉइड करना है, तो ये सारा सब कुछ आपको यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मेंशन है, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद हम फोर्थ स्टेप की बात करते हैं। तो फोर्थ स्टेप में भी इसमें जो है ये फेस पैक है, रूप मंत्रा फेस पैक, ये भी 40 ग्राम्स का ही है। एंड इसमें जो है एलोवेरा एक्सट्रैक्ट एंड फसली गुलाब एंड जो कि हमारे पोर्स को वो करता है जिसकी वजह से, और ये फेस पैक थोड़ा सा वाटरी है, बहुत थोड़ा सा है वाटरी है, जो लगाने के बाद हमको इसको 15 से 20 मिनट रखना है, उसके बाद सूखने के बाद जो है इसको नॉर्मल पानी से जो है वॉश करना है, जिसके बाद आप देखोगे कि आपका जो चेहरा है, जो आपका फेस है वो बहुत ही ग्लोइंग हो गया है। एंड 5 स्टेप की अगर हम बात की जाए तो 5 स्टेप जो है रूप मंत्रा नरिशिंग क्रीम इज़ अ कंप्लीट नरेटिव केयर ऑफ डल ड्राई लाइफलेस स्किन एंड ब्लड सर्कुलेशन एंड नेचुरल सेल रिन्यूअल प्रोसेस एंड डीपली कंडीशनल फॉर स्किन, दस मेक्स स्किन सॉफ्ट, स्मूथ एंड सफल। तो ये थे 5 स्टेप जो कि इन्होंने इसमें दिए हैं, जो कि मुझे पर्सनली इतने पसंद आए क्योंकि मैंने खुद अपने फेस पे इसको अप्लाई किया, एक्सपीरियंस किया, उसके बाद ही मैं रिव्यूज़ शेयर कर रही हूँ। मैं कोई भी प्रोडक्ट जब भी लेती हूँ तो सबसे पहले अपने आप पे उसको टेस्ट करती हूँ, चेक करती हूँ, उसके रिज़ल्ट देखती हूँ और उसके बाद ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और ब्लीच तो सभी को पता होता है कि कैसे करना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पार्लर में एक टाइम का जो है 1000 रुपये आपको पे करना पड़ता है फर्स्ट ऑफ ऑल,
1000 से 1500 के बीच में आपको पे करना पड़ता है, और वहाँ पे इतना हाइजीन का भी ध्यान नहीं दिया जाता है। और ये जो फेशियल किट है ये आपको 10 से 15 बार बहुत इजीली इससे आपका काम चल जाएगा। तो घर पे हम हाइजीन को मेंटेन करते हुए घर पे ही क्यों फेशियल ना करें, तो इसको आप एक बार ज़रूर ट्राई करना और मेरे साथ अपने जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करना। और मैं अपना फाइनल रिव्यू अभी आपको आगे दूंगी और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दी हुई हूँ, ये अमेज़न एंड फ्लिपकार्ट दोनों जगह पर अवेलेबल है, आप वहाँ से जाकर इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं मेरे फाइनल रिव्यू की। तो सच में ट्रस्ट में गाइस, मुझे ये फेशियल किट इतना पसंद आया है कि मैं मतलब नेक्स्ट टाइम भी यही फेशियल किट बाइंग करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैंने आज तक इतने सारे फेशियल किट ट्राई किए हैं, मुझे इतना अच्छा और अमेजिंग रिजल्ट कहीं पे भी नहीं मिला है। मतलब इतनी फ्लॉलेस एंड ब्राइट स्किन आपको देता है, और मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक फेशियल का काम है कि आपके इसके डर्ट गंदगी और आपको एक ब्राइटनिंग, एक फ्लॉलेस स्किन देना, जो कि ये बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है, क्योंकि मैंने खुद इसको एक्सपीरियंस किया है। जो मैं रिव्यूज़ में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वो हमेशा से ही ऑनेस्ट होते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को बताती हूँ अगर वो प्रोडक्ट अच्छा है तो अच्छा है, नहीं अच्छा है तो वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो मुझे पर्सनली ये फेशियल किट इतना पसंद आया है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। अगर आपको ख़रीदना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की हूँ, और अमेज़ॉन एंड फ्लिपकार्ट दोनों ही जगह पे ये अवेलेबल है, आप लिंक को चेकआउट कर सकते हैं एंड वहाँ से परचेज भी कर सकते हैं। और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। तो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया है, और अगर रेटिंग की बात की जाए तो मैं इसको 4.5 दूंगी। हाफ़ इसलिए मैं कट कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि स्क्रब के पार्टिकल जो है वो थोड़े से छोटे होने चाहिए थे, एक्सट्रैक्ट जो बोलते हैं वो थोड़े से छोटे होने चाहिए थे, अदरवाइज़ प्रोडक्ट्स इज़ ऑसम। मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत अमेजिंग है। और स्क्रब को तो ऐसे भी आपको बहुत हल्के हाथों से ही और स्क्रब करना होता है फेस पे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब